Assalamu alaikum students, in today's lecture we will discuss about the types of user involved in database environment and the components of database environments. तो types of user में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो user involved हैं वो basically कितने हैं, 5, ठीक है. Database designer, data administrator, application programmers and end user को भी आगे उन्होंने फर्दर डिवाइड किया हुआ है, नाइव यूज़र्स और सोफिस्टिकेटेड यूज़र, देन डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. तो डेटाबेस डिज़ाइनर अगर इसके बारे में देखें तो डेटाबेस डिज़ाइनर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग डेटाबेस, ठीक है. डेटाबेस का मॉडल तैयार करना, देन डेटाबेस को डिज़ाइन करना, डिफरेंट रिलेशंस, डाटा डेफिनेशंस, DML, DDL यानी डाटा मैनिपुलेट कैसे करना है, डाटा के जो डिफाइन कैसे करना है, डिफरेंट रिलेशन और उनमें रिलेशनशिप्स कैसे, और सारा जितना भी डेटाबेस का कह लें कि मॉडल है और डेटाबेस को जिस डिज़ाइन करना, वो किसके ज़िम्मेदारी है, आपके डेटाबेस डिज़ाइनर की. देन डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, अब ऑर्गेनाइजेशंस बहुत लार्ज स्केल पे काम कर रही होती हैं और डाटा भी और इस लिहाज से उनका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है. तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने पूरे सिस्टम, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को कलेक्ट करना और देन फर्दर उसको डेटाबेस डिज़ाइनर को प्रोवाइड करना, ठीक है. तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड फॉर मैनेजिंग डाटा ऑफ सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन. देन एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, आर द प्रोग्रामर्स हु डिज़ाइन द कंप्यूटर प्रोग्राम्स यूजिंग एनी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है. कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज को इस्तेमाल करके एंड यूज़र की के लिए, उसकी सहूलत के लिए क्या डिज़ाइन करते हैं, आपके प्रोग्राम, ठीक है. अब आपके जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं और आपका जो DBMS है, इन दोनों के दरमियान में जो रिलेशन था वो काफ़ी डिटेल में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है. अब जो आपके एंड यूज़र हैं, जो जिन्होंने डाटा के साथ इंटरेक्ट करना है, डाटा को यूज़ करना है, अब वो मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि वो टेक्निकल पर्सन नहीं है, दे डोंट नो अबाउट द क्यूरीज, ठीक है, SQL स्टेटमेंट के कैसे हमने कौन सी क्यूरी को इस्तेमाल करके हम डेटाबेस में DBMS में से हम डाटा को फैच कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, और डिफरेंट तरीक़ों से हम लोग डाटा को फैच कर सकते हैं. तो एंड यूज़र के लिए उसको उसके लिए यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए सिस्टम को, उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर डिफरेंट क्या होते हैं, यूज़र इंटरफेसेस. अब यूज़र इंटरफेसेस के अंदर आप लोग डिफरेंट आप लोगों ने भी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन इस्तेमाल की हुई हैं, ठीक है, और आपको डिफरेंट किस्म के इंटरफेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे आप लोग इजीली इंटरेक्ट करते हो, ठीक है. आप लोग यूजिंग फॉर्म्स के अंदर फिर आप बटन्स, मेन्यूज, लेबल्स, इनकी मदद से आप लोग क्या करते हो, कमांड सेंड करते हो, और देन आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम कनेक्ट किससे हुआ होता है, बैकेंड पे आपके DBMS से, और वहाँ से डेटाबेस जो है वो क्या हो रहा होता है, मैनिपुलेट हो रहा होता है, आपको डाटा मिल रहा होता है, डाटा आपका अपडेट हो रहा होता है, आपका डिलीट हो रहा होता है. आप एंड यूज़र को किसी भी किस्म का कोई भी टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, उसको नहीं पता कि कौन सी पीछे क्यूरी इस बटन के जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, सिलेक्ट की क्यूरी क्या है या आपका अपडेट कैसे हो रहा है, डाटा कोई उसको नॉलेज नहीं होता. तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, आप लोगों के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें डिफरेंट किस्म के यूज़र के लिए इंटरफेसेस होते हैं और वो इजीली आप अपने डेटाबेस के साथ क्या कर सकता है, इंटरेक्शन कर सकता है. अब एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जो हैं, इसके अंदर एक टर्म यूज़ हुई है, सिस्टम एनालिस्ट. अब सिस्टम एनालिस्ट क्या करते हैं, ये आपका जो सिस्टम है उसके बारे में तमाम जो इंफॉर्मेशन है, अगर लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ आपके कॉलेज की, तो ठीक है, कॉलेज के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी, और आपके जिसने कॉलेज का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, टीचर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, उनकी नीड्स क्या है, ये सारी की सारी गैदर कौन करता है, सिस्टम एनालिस्ट, और वो किसको प्रोवाइड करता है, आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स को. अब एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स उसके मुताबिक आपका क्या बनाएंगे, सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, उसके मुताबिक आपके डिफरेंट पेजेस और कोडिंग करके वो तैयार करेंगे. अगर देखें, अगर छोटी सी माइनर सी मैं आपको एग्जांपल दूँ, आपके हेड है, ठीक है, डिपार्टमेंट की, उनको अगर एक
कह लें कि मार्क्स या कोई रिज़ल्ट कार्ड जो है वो बनवाना है, तो वो अपनी सारी की सारी के मुझे किस तरह का उसके लेआउट चाहिए, क्या क्या उसके अंदर होना चाहिए, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सिस्टम एनालिस्ट जो है वो देगा किसको, एप्लीकेशन प्रोग्रामर को, और उस ज़रूरियात के मुताबिक जो यूज़र की होती हैं रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्पेसिफिकेशन होती हैं, वो किसको प्रोवाइड की जाती हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स को। तो एंड यूज़र की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी नीड्स हैं, वो सिस्टम एनालिस्ट किसको प्रोवाइड करता है, अपने एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स को। अब देखें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम बीइंग अ प्रोग्रामर, वो हर एक सिस्टम के साथ फेमिलियर नहीं होता। अब शुगर मिल रहा है, आपकी फ्लोर मिल रहा है, देन उसके बाद आपके कॉलेजेस हैं, लाइब्रेरीज हैं, और भी ई कॉमर्स है, डिफरेंट कह लें कि साइट्स हैं या डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, डिफरेंट आपके जो है सॉफ्टवेयर हैं। तो हर एक डोमेन का नॉलेज ज़रूरी नहीं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास मुकम्मल तौर पर हो। तो ये जो सिस्टम एनालिस्ट हैं, ये हर डोमेन में उसके मुताबिक जो भी उसका नॉलेज और रिक्वायरमेंट्स यूज़र की होती हैं, वो किसको प्रोवाइड, स्पेसिफिकेशन जो है पूरी किसको देता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को, प्रोग्रामर को सॉरी, और वो उसके मुताबिक क्या डिज़ाइन करते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम। उसके बाद है जी एंड यूज़र। एंड यूज़र में आप लोगों के दो तरह के उसने यूज़र डिफ़ाइन किए हैं, एक नाइव एंड यूज़र, यानी कि वो यूज़र जो बिल्कुल इनोसेंट है, जिसको कुछ भी नहीं पता, हैविंग नो एनी काइंड ऑफ टेक्निकल नॉलेज, जिसके पास किसी भी किस्म का कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, उसको नहीं पता कि आपका DBMS क्या है, वो कैसे वर्क कर रहा है, SQL क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या है, कैसे स्टेटमेंट चल रही है, उसको सिर्फ पता है। तो उसने सिर्फ उसके सामने जो आपने एप्लीकेशन प्रोग्राम के ज़रिए इंटरफेसिस प्रोवाइड किए हुए हैं, उसके ज़रिए उसने वो डाटा को इस्तेमाल करना है। जैसे आप लोगों ने जो साइट विज़िट की बोर्ड की रिज़ल्ट के लिए, आपने जस्ट क्या किया, आप लोग क्या थे, नाइव यूज़र्स, एंड यूज़र, बिल्कुल इनोसेंट, आपको नहीं पता कि किस तरह ये वर्किंग हो के हमारे सामने क्या आ रहा है रिज़ल्ट कार्ड। आप जस्ट अपना रोल नंबर एंटर करते हो उस फील्ड के अंदर, देन आप लोग क्या करते हो, गेट रिज़ल्ट, आप बटन पे क्लिक करते हो और आपके सामने आपका क्या आ जाता है, पूरा रिज़ल्ट कार्ड। तो इस तरह जो है वो सिर्फ इंटरफेस के साथ क्या करता है, कमांड भेजता है यूजिंग डिफरेंट बटन्स और टेक्स्ट बॉक्स को इस्तेमाल करते हुए डाटा सेंड करता है, और आपको आपका जो भी रिक्वायर्ड टास्क है वो फुलफ़िल हो जाता है। अब दूसरा है जी सोफिस्टिकेटेड यूज़र, वो ये ऐसे यूज़र हैं जो थोड़ा सा फेमिलियर हैं, ठीक है, DBMS क्या है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्या है, डिफरेंट डाटाबेस के ऑपरेशन और फैसिलिटीज़ के साथ ही क्या है, थोड़ा सा फेमिलियर हैं, ठीक हो क्या। उसके बाद आपका आ जाता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। अब डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजिंग होल डाटाबेस सिस्टम, ठीक हो गया, ही डिज़ाइन क्रिएट्स एंड मेंटेन्स द डाटाबेस। डाटाबेस को मेंटेन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। अब वो डिफरेंट किस्म के इंटेग्रिटी इशूज़ हैं डाटाबेस के, डाटाबेस को मेंटेन करना, ठीक है, टाइम टू टाइम उसको मॉनिटर करना, उसका बैकअप लेना, ठीक है, अगर किसी भी किस्म का कोई क्रैश सिस्टम में आ गया, उसको आपका जो डाटाबेस है उसको रीस्टोर करना, ठीक है, डिफरेंट किस्म की परमिशंस, ठीक है, कि कौन जो डाटा को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, और इस तरह की सारी जितनी भी है रोल बेस जो कह लें कि कौन डाटा को एक्सेस कर सकता है कौन नहीं कर सकता, ये सारी की सारी जो टास्क हैं इसका ज़िम्मेदार कौन होता है, आपका डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस एनवायरनमेंट्स। अब अगर डाटाबेस एनवायरनमेंट्स है इम्प्लीमेंट आपने किया है, तो उसमें किस तरह के कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो कंपोनेंट आता है आपका वो है रेपोजिट्री, ठीक है। अब रेपोजिट्री क्या है, रेपोजिट्री बच्चे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन कौन सी है, जैसे आपकी जिसमें आ जाता है आपकी डाटा डेफिनेशंस, आपके रिलेशनशिप्स, ठीक हो गया, उसके बाद आपके आउटपुट स्टाइल फॉर्मेट्स वगैरह, ये सारे रिपोर्ट फॉर्मेट्स वगैरह, ये सारा इसमें आ जाता है। हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 के अंदर मेटा डाटा। मेटा डाटा में मैंने आपको बताया था कि डाटा अबाउट डाटा इज़ कॉल्ड मेटा डाटा। अब अगर आप अपना कोई भी रिलेशन यानी कि टेबल डिफाइन करने जा रहे हो, उसके अंदर डिफरेंट आप फील्ड्स, ठीक है, आप बताने जा रहे हो, नेम है, रोल नंबर है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब चीज़ें,
तो आप लोग डिफरेंट, मैंने वहाँ भी आपको बताया था कि DBMS के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, यानी कि अगर नेम है इस फील्ड का साइज़ कितना या लेंथ कितना होगी, देन इसके अंदर जो डाटा है उसकी टाइप क्या होगी, ठीक है। अब उस इसके अलावा फिर आप लोगों के और भी डिफरेंट हैं, रेंज आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि 0 to 100 अगर मार्क्स का कोई कॉलम है तो इसमें सिर्फ इतना ही क्या होना चाहिए, इस 0 to 100 के दरमियान इसी रेंज के अंदर नंबर एंटर होना चाहिए। तो ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आप डाटा के बारे में बता रहे हो, ये डाटा नहीं है। देखिए अगर मैं डाटा के बारे में डिस्कस करूँ, नेम, ठीक है, आपका जो नेम एट्रीब्यूट है, नेम जो कॉलम है उसके अंदर अगर मैं डाटा की बात करूं, जैसे आपका अगर नेम है, एग्जांपल के तौर पे लूँ अली है, तो ठीक है ये डाटा है, लेकिन इसके जब मैंने टेबल को बनाते वक्त, जब रिलेशन डिफ़ाइन करते वक्त, डाटा को डिफ़ाइन करते वक्त जब मैंने मेटा डाटा प्रोवाइड किया, अब उसके बारे में अगर देखें तो मैं कहती हूँ इस कॉलम का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए, 20, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट्स 20 से ज़्यादा इसमें एंटर नहीं हो सकते, ठीक हो गया। इसकी जो टाइप है वो आपका अल्फ़ाबेटिक यानी कि होना चाहिए डाटा, तो इसके अंदर न्यूमेरिक डाटा एंटर आप नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ें मैं स्पेसिफाई कर रही हूँ ये क्या है, मेटा डाटा, यानी कि डाटा के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। और DBMS को जब आप एक दफ़ा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो उसको स्ट्रिक्टली क्या करता है, फॉलो करता है। अगर आप गलत डाटा एंटर करेंगे तो वो एंटर नहीं होने देगा, आपकी वैल्यू क्या होगी, नल, ठीक है। तो रिपोजिटरी में मेटा डाटा की इंफॉर्मेशन सारी आपकी, फिर हम जब रिलेशन बनाते हैं उसके दरमियान टेबल्स के दरमियान हम डिफरेंट किस्म के रिलेशनशिप हम काफ़ी डिटेल में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, रिलेशन 1 to 1, 1 to many, ठीक है, किस तरह आप लोगों के रिलेशन जो हैं वो डिफरेंट टेबल्स के ज़रिए हम कैसे करेंगे क्रिएट, और किस तरह हम जॉइंस वगैरह का इस्तेमाल करके अपने डाटाबेस को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस में होगी, आपके कंपोनेंट रिपोजिटरी में। उसके बाद है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आपने अगर ये अंडरस्टूड सी बात है, अगर आपने डाटाबेस इन्वायरमेंट लेके चलना है तो आपको सबसे पहले क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में, DBMS, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो अब डेटाबेस मैनेजमेंट जो सिस्टम है वो आपका डेटाबेस, आपको पता है कि डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए अगर कोई आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो वो कौन सा है, DBMS। डिफरेंट किस्म के आपके लिए अवेलेबल हैं, आप MySQL है, फिर MySQL सर्वर है, Oracle है, डिफरेंट जो है DBMS वो अवेलेबल हैं। अब फिर डेटाबेस क्या है, डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर इन अ कॉम्पैक्ट मैनर, ठीक है, एंड फॉर एफिशिएंट रिट्रीवल। और डेटाबेस क्या है, आपका किसी भी रिलेटेड टॉपिक, ठीक है, चाहे वो कॉलेज की है या चाहे वो किसी मिल की है, किसी भी साइट की है, तो उसके रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आप बहुत ही एफिशिएंट मैनर में डिज़ाइन करते हो, स्टोर करवाते हो, वो आपकी क्या है, डेटाबेस। उसके बाद आपका आ जाता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन भी सारी वो टर्म्स हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है ये यूज़ होता है, यूज़र जो है इसके ज़रिए क्या करता है, डिफरेंट किस्म की कमांड्स जो है वो सेंड करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, ताकि डेटाबेस को क्या किया जा सके, यूज़ किया जा सके, मैनिपुलेट किया जा सके। दीज कमांड्स आर सेंड टू DBMS थ्रू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। अब आपको जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम के ज़रिए डिफरेंट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड किए जाते हैं, आप अपने जो है उन इंटरफेसेस को यूज़ करते हुए जस्ट इजीली क्या भेजते हो, कमांड। द यूज़र इंटरेक्ट्स विद द एप्लीकेशन प्रोग्राम। अब जो एंड यूज़र है, जो नाइव यूज़र है, पीछे भी मैंने डिस्कस किया, वो किसके साथ डिस्कस करेगा, किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, जस्ट अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ। आगे से एप्लीकेशन प्रोग्राम फुर्दर किसके साथ कनेक्ट है, किसके साथ कनेक्टेड है, आपके DBMS के साथ बैकएंड पे, और वो उसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करके आपका डाटा जो है वो फेच करेगा या डाटा मैनिपुलेट करेगा, आपके जितने भी कमांड्स हैं उनको क्या किया जाएगा, फुलफिल किया जाएगा। अच्छा जी, द यूज़र इंटरेक्ट्स विद एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द एप्लीकेशन प्रोग्राम फर्दर इंटरेक्ट्स विद द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और आपके जितने भी जो टास्क हैं वो क्या किए जाएंगे, फुलफिल। देन उसके बाद जी यूज़र इंटरफेस,
User interface is a visual environment that is used by the user to communicate with the computer. आपको आप लोगों के सामने जो भी कंप्यूटर पे इंटरफेस जिससे आप इंटरेक्ट करते हो वो आपका क्या है, यूज़र इंटरफेस, ठीक है। अब उसके ज़रिए आपने क्या करने हैं, डिफरेंट किस्म की कमांड्स जो हैं वो सेंड करनी है। ये डिफरेंट किस्म के बटन्स और मेन्यूज़ और फॉर्म्स वगैरह पे क्या होते हैं मुश्तमिल। अब आप लोग जो यूज़ करते हो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, अब इसमें भी आप लोग देखते हो इसका जो इंटरफेस है, ठीक है। एक जब आप लोग सिस्टम स्टार्ट करते हो तो आप लोगों को वेलकम किया जाता है, देन उसके बाद पासवर्ड वगैरह आप लोग एंटर करते हो, फिर आपके सामने आपका डेस्कटॉप, ठीक है, स्क्रीन, उसमें डिफरेंट किस्म के आइकन्स आपको नज़र आ रहे होते हैं। आप राइट क्लिक करते हो तो आपके सामने एक मेन्यू खुलता है जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं कि आपने न्यू फोल्डर क्रिएट करना है या न्यू डॉक्यूमेंट आपने लेनी है, ठीक है, आपने रिफ़्रेश करना है सिस्टम। तो इस तरह डिफरेंट ये जो आपके सामने है ये क्या है, ये आपका यूज़र इंटरफेस है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, ठीक है। डिफरेंट इमेजेस आइकन्स के भी आपके सामने होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, फॉर्म्स आपके सामने खुलती हैं, विंडोज़ खुलती हैं, जिसके साथ आप क्या करते हो, इंटरेक्ट करते हो, और बैकएंड पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए वो सारे के सारे टास्क क्या कर रहा होता है, फुलफ़िल कर रहा होता है। आप सिंगल क्लिक करते हो तो उसके पीछे भी कोई ना कोई कमांड्स क्या हो रही होती हैं, कोई ना कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है। तो अब यूज़र इंटरफेस जो है वो डिफरेंट किस्म के फॉर्म, अब फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं एंटर करने के लिए डाटा। अब अगर ऑनलाइन आप लोगों ने भी बहुत सी कह लें कि एडमिशन भी अप्लाई किए होंगे, तो अब ऑनलाइन जो फॉर्म्स हैं वो एक एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। आप लोग क्या करते हो, इसके अलावा डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं वो आपको फॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं डाटा को एंटर करने के लिए। अब फॉर्म्स के अंदर आप लोग अगर ऑब्ज़र्व करो तो डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर आप अपना इंफॉर्मेशन, जैसे नेम के लिए हो गया, अगर आप लोग लॉगिन करते हो तो तब आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स होते हैं जिसमें आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करते हो, ठीक है। फिर बटन्स डिफरेंट किस्म के इस पर होते हैं, लेबल्स होते हैं जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ आपने ये एंटर करना है, ठीक है। तो आप फॉर्म के ज़रिए इजीली क्या कर सकते हो, डाटा को एंटर कर सकते हो। यूज़र कैन आल्सो रिट्रीव चेंज एंड अपडेट डाटा बाय यूजिंग फॉर्म्स, ठीक है। अब डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं डाटा को अपडेट करने के लिए भी। अगर डाटा को आप लोगों ने एक दफ़ा स्टोर कर लिया, उसको अगर चेंज करना है तो भी आप लोग फॉर्म के ज़रिए कर सकते हैं। देन मेन्यूज़ है, मेन्यूज़ आर अ लिस्ट ऑफ कमांड्स फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस। मेन्यूज़ आर फ्रीक्वेंटली यूज इन विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन, द यूज़र कैन यूज़ दैम ईजिली फॉर मैनिपुलेटिंग द डाटा बेस। अब मैन्यूज़ जो है वो लिस्ट ऑफ कमांड्स है, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि आप लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जब आप राइट क्लिक करते हो तो आपके सामने मैन्यू खुल जाता है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट कमांड्स होते हैं, जिस कमांड के ऊपर आप क्लिक करते हो आपके लिए वही टास्क क्या कर दिया जाता है, परफॉर्म कर दिया जाता है। देन रिपोर्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, ठीक है। रिपोर्ट्स के ज़रिए आप डिफरेंट किस्म के डिसीजंस लेते हो। अब रिपोर्ट्स अगर किसी में ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ तो सेल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, आपकी ऑर्डर रिपोर्ट्स हो सकती हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स आपके जो हैं वो प्रोवाइड की जा सकती हैं। तो DBMS आपको फैसिलिटी देता है कि डिफरेंट किस्म की आप रिपोर्ट, अगर कॉलेज की बात की जाए तो आपके स्टूडेंट की मार्क्स रिपोर्ट, आपके जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन, तो रिपोर्ट्स जो हैं वो आपको डेटाबेस में जो आउटपुट के तौर पर प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। तो यूज़र कैन जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स बाय मैनिपुलेटिंग द डेटाबेस। द इंफॉर्मेशन ऑन द रिपोर्ट इज़ अरेंज इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड मे कंटेन ग्राफ्स, चार्ट्स एंड टेबल्स, ठीक है। डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स होते हैं, आप ग्राफ्स भी इसमें मौजूद हो सकते हैं, चार्ट्स, लेबल्स वगैरह, तो आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। अब रिपोर्ट्स जो है स्टूडेंट्स, इसके अंदर भी आप लोग DBMS में से ही अपना डाटाबेस जो आपने डिज़ाइन किया हुआ है डाटा वहीं से आप फेच कर रहे हो, और आप लोग डिफरेंट फॉर्मेट्स के तहत उसको क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, ताकि यूज़र इजीली अपना जो इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे डिसीजन ले सके। उसके बाद है आपका डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर्स आर द पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ होल इंफॉर्मेशन सिस्टम। दे ऑथोराइज एक्सेस टू द डेटाबेस एज वेल एज कोऑर्डिनेट एंड मोनिटर द यूज़ ऑफ डेटाबेस। ये आपकी डेटाबेस को
जितना भी आपका होल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है सिस्टम की, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है, वो डेटाबेस डिज़ाइनर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन करता है आपके डेटाबेस डिज़ाइनर के साथ और मॉनिटर करता है यूज़ ऑफ डेटाबेस को, ठीक है, डेटाबेस की मेंटेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद सिस्टम एनालिस्ट एंड एप्लीकेशन, इनके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है। सिस्टम एनालिस्ट क्या है? सिस्टम एनालिस्ट डिटरमिन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंड यूज़र। अब देखें, अगर एंड यूज़र, मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है, दे आर इनोसेंट, दे आर नॉट अवेयर फ्रॉम टेक्निकल इंफॉर्मेशन, तो उनसे फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स लेना, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना, उनकी क्या नीड्स हैं, वो क्या अपने सॉफ्टवेयर से जो है वो फुलफ़िल करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखें, एक क्लाइंट है, वो आपसे कोई भी सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहा है, तो उसकी कुछ नीड्स हैं, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सिस्टम एनालिस्ट किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सारी की सारी नीड्स जो हैं वो यूज़र से लें, उसके एक डॉक्यूमेंट तैयार करें और वो स्पेसिफिकेशन किसको दें, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स को। एप्लीकेशन प्रोग्रामर उसके मुताबिक फिर वो क्या तैयार करते हैं, सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम एनालिस्ट डिटरमिन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एंड यूज़र एंड डिवेलप स्पेसिफिकेशन फॉर ट्रांजेक्शन, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स इंप्लीमेंट दी स्पेसिफिकेशन एंड प्रोग्रामर। अब सिस्टम एनालिस्ट ने वो स्पेसिफिकेशन, वो रिक्वायरमेंट्स किसको दे देनी है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स को, और उन्होंने वो उसके मुताबिक आपका प्रोग्राम्स और आपके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने हैं। देन लास्ट पे है जी एंड यूज़र। एंड यूज़र्स आर दोस्त persons who interact with the application directly. They are responsible to insert, delete and update data in the database. They get information from the system and as when they are required. ठीक है, एंड यूज़र वो सारे के सारे यूज़र हैं जिन्होंने सिर्फ सिस्टम को क्या करना है, इस्तेमाल करना है। उनको नहीं ज़रूरत किसी भी किस्म की डेटाबेस को डिज़ाइन करने की, या एप्लीकेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करने की, या इंटरफेसेस को डिज़ाइन करने की, या एसक्यूएल स्टेटमेंट को लर्न करने की, किसी भी किस्म की उनको कोई भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट वो क्या करते हैं, आपके अब सिस्टम के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, डिफरेंट किस्म के जो आपने इंटरफेसेस उनको प्रोवाइड किए हुए हैं उनके ज़रिए वो कमांड्स भेजते हैं और डाटा को ईज़िली इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये थे कंपोनेंट्स डेटाबेस एनवायरनमेंट के, और यहाँ आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो क्या हो गया, कंप्लीट। ओके, अल्लाह हाफिज़।